Hello dear students, how are you? I hope that you all have been taking care about yourself as well as family. I also think that you all have been taking care about studies because the exams are getting nearer and nearer each day pass. Okay, today in this video we are going to know about a very very interesting story, the judgment seat of Vikramaditya of class 10th of UP board students. आज इस वीडियो में हम लोग बड़ी ही इंटरेस्टिंग मेरी फेवरेट स्टोरी के साथ मैं आपके सामने हूँ. इसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य क्लास 10th के लिए. हम लोग छोटे थे तब से नाम सुन रहे हैं, कहानियाँ सुन रहे हैं, विक्रम की कहानी, राजा विक्रम, दयालु विक्रम. आपने एक सीरियल भी देखा होगा विक्रम बेताल, बहुत छोटे से हमने देखा. उसके बाद इसके कई नए अलग अलग वर्जन्स देखे, आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा. तो राजा विक्रमादित्य की जहाँ तक बात है, मेरा ये मानना है, मैंने जो पढ़ा है कि भारतवर्ष में जितने भी महान शासक हुए हैं, जितने महान राजा हुए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा ख्याति और प्रसिद्धि किसी ने पाई है अपने कार्यों से, अपने कामों से, स्पेशली अबाउट हिज जस्टिस, हिज जजमेंट, हिज स्किल, हिज अंडरस्टैंडिंग, हिज स्कॉलरशिप, हिज एवरीथिंग, दैट इज द ग्रेट विक्रमादित्य, महान विक्रम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है. तो आज इनकी कहानी के बारे में हम जानते हैं, एक लेसन आपकी क्लास में है ही. ऐसा कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के समय में जो उनका न्याय था वो बहुत प्रसिद्ध था. लोग दूर दूर से उनके बारे में सुनने आते थे, उनके जजमेंट्स देखने आते थे. मैंने कहीं पढ़ा है इनके बारे में कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं किया, और उनके जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार जो जस्टिस थे वो लोगों में तरह तरह की दंत कथाओं के रूप में बाद में जाने गए. ऐसा ही हमने विक्रम बेताल या बेताल पचीसी कथाओं में सुना होगा. हो सकता है ये सारे सच्चे ना हों, लेकिन सुनने में सब बहुत अच्छे हैं. ऐसी कहानियाँ हमेशा उन्हीं लोगों के बारे में आती हैं जिनकी कहानियों में बहुत सच्चाई होती है. हो सकता है 10% या 20% वो कहानियाँ उतनी सच्ची ना हों, थोड़ा झूठ भी हो, लेकिन जब कोई बहुत बड़े मकाम पर पहुंच जाता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है, तो उनके बारे में लोग एग्जिजरेशन का यूज भी करते हैं, अतिशयोक्ति का यूज भी करते हैं, ठीक है. तो ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की. एक बार कहीं गांव में बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे, और चूँकि सैकड़ों साल हो गए और विक्रमादित्य के बारे में किसी को पता नहीं था, आज भी उनके बारे में लोगों को बड़ा ही कम पता है. कहानियाँ ज़्यादा हैं, किस्से ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें सच्चाई और जो है एक ऑथेंटिसिटी की कमी है. तो ऐसी कहानी है, तो बच्चे खेल रहे थे कहीं उज्जैन में, जहाँ राजा कभी उज्जैन के राजा थे कई सौ साल बाद. तो एक मैदान में थोड़े टीले जैसे बने हुए थे, शेपर्ड बॉयज गडरिए जाते थे अपने चरवाहे, जिन्हें कहना चाहिए, जानवरों को चराने के लिए, अपनी गाय भैंसें या भेड़ें जो भी रही होंगी. और अचानक एक दिन उन्हें लगा कि ये जो जगह है एक राजा का दरबार जैसा लग रहा है, और छोटे छोटे टीले हैं, लोगों के बैठने की जगह लग रही है. जैसा ही कि उसके दिमाग में उस बच्चे का आया, वो बीच के सबसे बड़े टीले पर बैठ गया. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी. और उसने लोगों से कहा कि मैं अब राजा बनूंगा, और तुम लोग अपने जो छोटे छोटे झगड़े झूठे बनाकर लाओ, मैं उनको जस्टिस करूंगा. शुरू में लोगों को बड़ा मनोरंजन लगा कि अरे चलो अच्छा करते हैं, लोग आने लगे. लेकिन जब उस बच्चे ने अपनी आवाज़ को बड़ा ही गंभीर बना लिया, तो लोगों को थोड़ा डर हुआ, बच्चों को लगा कि ये क्या कर रहा है. लेकिन जैसे जैसे वो अपने झूठे मुकदमे उसके पास लाते गए, वो उनका सही निदान करता है चला गया, जस्टिस करता है चला गया, तो बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगा और थोड़ा सा अजीब भी लगा कि ये कैसे हो गया. दो चार छः दिन तक ये खेल चलता रहा. फिर खेलों में जो लड़ाइयाँ पहले झूठी हुआ करती थी, फिर सच्ची होने लगी कि साहब इसने हमारी इस जगह पर अपनी गाय छोड़ दी चराने के लिए, कल हम यहाँ थे, ये हमारी जगह है, या और कोई छोटी छोटी बातें, जो हम खाना लाते साहब इन्होंने हमारा खाना ले लिया, या हमारा पानी इन्होंने पी लिया, इस टाइप की बातें ही शायद रही होंगी. धीरे धीरे ये बातें दूर गाँव तक पहुँची और लोग इम्पॉर्टेंट और टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड केसेस लेकर उसके पास आने लगे. और सरप्राइजिंगली एवरी टाइम ही मेड अ ग्रेट जस्टिस. हर बार जो उनका जो डिसीजन होता था, जो जस्टिस होता था, दिस एवरी टाइम सरप्राइज द पीपल. एंड ग्रेजुअली द न्यूज स्प्रेड फार एंड वाइड दैट देयर वाज अ वेरी यंग चाइल्ड हु प्रोनाउंस्ड
परफेक्ट जस्टिस। लोगों की कहानी सुनने को मिल गई, एक बच्चा है जो बड़ों से भी बढ़िया और अच्छा न्याय देता है। धीरे धीरे ये कहानी और आगे बढ़ी और उज्जैन से थोड़ा दूर कोई और राजा हुआ होगा कई सालों बाद, जब ये किस्सा हो रहा था। जब वहाँ तक ये खबर पहुँची तो उन्होंने अपने लोगों से पूछा, तब किसी ने बताया, ज्योग्राफिकली बताया होगा कि हाँ ये वही जगह है जहाँ कभी राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा करता था, और हो सकता है कि जिस जगह ये बच्चा बैठा हुआ हो वहाँ नीचे कहीं उनका सिंहासन हो। सिंहासन 32 या 42 कहानियों में हमने सुना होगा, विक्रमादित्य का सिंहासन बहुत बड़ी बात थी। अब उन लोगों ने अपने दरबारियों को भेजा, सिपाहियों को भेजा, सैनिकों को भेजा, और उस जगह से वो बच्चों को हटाकर वहाँ खुदाई की। और जब खुदाई की तो वहाँ पर एक काली संगमरमर की, ब्लैक मार्बल की एक स्लैब निकली, एक पत्थर की शिला निकली, और उसके नीचे छोटे छोटे जो एंजल्स थे, इसमें मैंने लिखा है, देखिए, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हो गए, एक सीट मिली इसके 25 स्टोन एंजल्स, पत्थर की मूर्तियाँ। हमने फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में देखा होगा, वो एक इडोल जैसी होती वैसी मूर्तियाँ थी, बट उसमें विंग्स लगे थे, पंख थे। वो 25 उस स्लैब के चारों ओर से सपोर्ट कर रही थी, एक गोल स्लैब, उसके नीचे 25 स्टोन एंजल्स सपोर्टिंग दैट स्लैब, एंड दैट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ऑब्वियसली देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। फिर उस राजा ने वो जो सीट थी उसे अपने दरबार में मंगाया, वहाँ बहुत अच्छे से सब तैयारी की, पूजा पाठ करके वहाँ रखवाया दरबार में, जहाँ बैठता था वहाँ पर सिंहासन हटाकर। 3 तक उसने सारे दरबार के लोगों से, सारे राज्य में कहा कि 3 तक सब लोग पूजा पाठ करो, व्रत करो। 3 के बाद राजा उस सीट पर बैठने के लिए पहुंचा। एक अजीब सी घटना हुई प्यारे बच्चों, साथियों, कि उन 25 में से एक जो वो एंजल थी, जो पुतलियां लगी थी, उसमें से एक निकल कर बाहर खड़ी हुई। उसने कहा, पहला क्वेश्चन किया, हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर द अदर्स किंगडम, अदर्स स्टेट? हे राजन, क्या आपने कभी भी आज तक किसी और राजा के राज्य को पाने की लालसा तो नहीं की है? उसने कहा, हाँ साहब, की तो है। दैट यू आर नॉट वर्दी टू सिट ऑन दिस ग्रेट क्राउन, तब आप इस राजगद्दी पर बैठने के योग्य नहीं है महाराज। ऐसा कहकर वो आसमान में उड़ गए। नेक्स्ट 3 अगेन द किंग टुक फास्ट एंड प्रेयर, एंड द ग्रेट सेलिब्रेशन वंस अगेन, एंड आफ्टर 3 ही केम अगेन बैक देयर। राजा फिर 3 बाद आए, फिर एक उसमें से निकल के वो विंग अपने फैला कर एक निकल पड़ी, एक एंजल स्टोन की। वो उसने फिर अगला क्वेश्चन किया, साहब, हैव यू नेवर डिजायर टू पजेज अदर्स रिचेस? हे राजन, क्या आपने कभी किसी और के धन को पाने की कामना तो नहीं की है? आपके मन में लालच तो नहीं आया? उसने कहा, सब आया तो है। ठीक है, दैट यू आर नॉट वर्दी टू सिट ऑन दिस क्राउन, तो महाराज आप इस पर बैठने के योग्य नहीं, फिर से जाके व्रत और पूजा करिए। फिर 3 करते रहे। सो दिस प्रोसेस वेंट ऑन फॉर नेक्स्ट 72-75 और मोर। ये चलता रहा। आखिर में लास्ट एंजल रह गई उसके नीचे, और जब राजा वहाँ पहुँचा, इस बार वो पूरा कॉन्फिडेंट था कि लगभग 72-75 हो गए थे और अब तक वो इस लायक ज़रूर हो गया होगा जो सीट पर बैठ सके। उसने कहा, आज मैं बैठूँगा इस पर जाकर, 75 हो गए हैं। लास्ट एंजल बाहर निकल गए, ने हुजूर एक बात जरूर जानना है, इज योर हार्ट एज प्योर एज ऑफ अ चाइल्ड, एज ऑफ अ बेबी? कि आपका हृदय उतना ही पवित्र है जितना कि मासूम बच्चे का होता है? दिस टाइम किंग हैज़ नो आंसर, ही वाज साइलेंट, ही कामली आंसर, नो, आई एम नॉट एज प्योर एज ऑफ अ चाइल्ड। मेरा हृदय, मेरा मन, मैं इतना पवित्र और शुद्ध नहीं जितना एक मासूम बच्चे का होता है। ऐसा जब उत्तर दिया राजा ने, उस स्टोन एंजल ने उस ब्लैक मार्बल स्लैब को अपने सर पे रखा, जो जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य थी, उसे लेकर आसमान में उड़ गए। सो दैट्स वाई द ग्रेट ग्रेट प्रेस्टिजियस जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर एवर फॉर एवर। इस तरह वो महान राजगद्दी राजा विक्रमादित्य की इस धरती से सदा सदा के लिए चली गई मित्रों। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन राजा विक्रमादित्य का न्याय हमेशा ही अमर रहेगा। और ऐसा कहा जाता था, जब भी कोई आज भी
सही न्याय देता है, जो कि आजकल बड़ा कम हो गया है, तो लोग यही कहते हैं कि ये विक्रमादित्य का इंसाफ बोल रहा है। सो दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ग्रेट ग्रेट जस्टिस ऑफ किंग विक्रमादित्य। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर लाइक करिएगा प्लीज़। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आप सब लोगों के लिए, और शेयर ज़रूर करें इससे। सब्सक्राइब कर ही लिया हुआ चैनल नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस संजीव गोस्वामी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव फन विद योर स्टडी। बाय, टेक केयर।